ठीक हो? अगर 30 दिन बाद आया मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता, कर दिया सिस्टम हैंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, और इनके स्वागत में भाई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां जी। हमारे हरियाणा का यूथ हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। मैं जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूं सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाओगे आप, इन्होंने एक बारी में बोला कि मैं जरूर आऊंगा। और काफी दिक्कतें थी परमिशंस की, कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी इन्होंने एक बार कहने पे मुझे परमिशन दिलाई। तो सर मैं उसका बहुत आभारी हूं कि आपने अपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं कि हमारे यूथ के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए, हमारे देश के लिए आप दो शब्द बोलो।